सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल में खुश आमदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक टोटके के साथ हाजिर हुई हूं। ये टोटका हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मुफीद है। वो लोग जिनका बीपी कंट्रोल ही नहीं होता, आज उनके लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त एक टोटका लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूं कि हमने एक न्यू वी लॉगिंग चैनल राना दील के नाम से स्टार्ट किया है। इसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के लास्ट पर भी आप ये लिंक देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज के इस टोटके में हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये हमने लहसुन लिया है और लहसुन के अलावा हमने ये शहद लिया है। ये सिर्फ दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, एक शहद और दूसरा लहसुन। अब करना क्या है, जिनका बीपी रूटीन में कंट्रोल नहीं होता वो क्या करें, सुबह खाली पेट यानी कि निहार मुंह लहसुन के दो जब्बे लेने हैं आपने। ये इस तरह आप ले लें, इसको आप लेने के बाद छील लें। छील कर आपने ये लहसुन के दो जब्बे, एक चम्मच आपने शहद का ले लें। ये मेरे पास नॉर्मल से साइज़ का है, अगर आप थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, एक चम्मच शहद लेना है और ये जब्बे लेने हैं। इसको छील कर या तो आप बाइट के ज़रिए इसको खा लें या इसके अंदर इसको जिस तरह भी आपने थोड़ा सा कश करके खाना है, वो आपकी मर्जी है। इसको आपने निहार मुँह खाना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये मसला आएगा कि लहसुन को किस तरह खाएंगे, लेकिन आप कड़वी दवाई भी तो खाते ही हैं ना, आपने इसको एज ए मेडिसन लेना है और इसको अपना मामूल बनाते जाना है। हर रोज आपने बिला नागा इसको खाना है, खाली पेट निहार मुंह। इंशाल्लाह आप 3 से 4 रोज में ही अपने आप एक अच्छा आपको फर्क नजर आएगा, आप महसूस करेंगे कि आपका बीपी जो है वो कंट्रोल रहने लग गया है। अगर आज की आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और जिस तरह आपने हमारे बाकी तमाम चैनल्स को सपोर्ट किया उसी तरह हमारे न्यू वी लॉगिंग चैनल राना अदील अहमद को ज़रूर सपोर्ट करें। इसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट पे नज़र आ रहा होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए टोटकों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।